हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट से बहुत सारे बच्चे दोस्तों नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो क्लास 10th में क्लास 11th में नंबर बहुत ज़्यादा थे, बट उनके कंपेरिजन में क्लास 12th में जो नंबर दिए गए बहुत ही कम दिए गए। इसके अलावा दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनका कहना है कि हमारे जो स्कूल वालों ने हमें जानबूझ कर कंपार्टमेंट दे दी है। बहुत से स्कूल, जैसे अगर हम मैं एक स्टेट की बात करूँ दोस्तों, तो गुजरात के एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, पर्सनली मैसेज किया, तो उनके अनुसार पूरा जो पूरी क्लास को एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे दी गई है। बस एक ही सब्जेक्ट पूरी क्लास को दे दी गई है। वजह क्या बताया स्कूल वालों ने? वजह यह बताया कि हमारा जो रिकॉर्ड है सीबीएसई की नज़र में ख़राब है, इसलिए हम अपने बच्चों के 20-20 नंबर उस अकाउंट सब्जेक्ट से काटे हैं। ये दोस्तों स्कूल वालों ने उन पेरेंट्स से कहा, उन विद्यार्थियों से कहा है जिनके कंपार्टमेंट आए थे, पूरी क्लास के कंपार्टमेंट। उनका कहना है कि हमारे पिछले 2 साल का रिकॉर्ड स्कूल का खराब रहा, इस वजह से हम इस बार भी अपने बच्चों को इस अकाउंट्स में नंबर नहीं दे पाए। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आप पिछले 2 साल बच्चों ने जो किया, उनकी जो अगर उनका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या उस रिजल्ट का खामियाजा इस 2021 में एग्जाम ना दे पाने वाले बच्चे भरेंगे? तो ये किसी भी तरह से फेयर नहीं है दोस्तों। यदि ऐसा हुआ है तो सीबीएसई के दोस्तों स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मैं सीबीएसई के सभी आला अधिकारी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी स्कूलों के रिजल्ट को दोबारा से रीचेक करवाने की पूरी पूरी आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि जो क्लास 12th का रिजल्ट है दोबारा से स्कूल्स में रीचेक करवाया जाए, ताकि जिन बच्चों के साथ अनफेयर किया गया है या अनफेयर हुआ है, उनको फेयर तरीके से नंबर दे दिया जाए और अच्छे नंबर से पास हो जाए। क्योंकि 2 अगस्त से कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। मान लिया जाए कि अगर जो बच्चों जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, जो बच्चे री एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो क्या सीबीएसई इंश्योर करेगी कि उन बच्चों के लिए रिजल्ट आने तक स्कूलों में सीट या कॉलेजेस में सीट अवेलेबल रहेगी? क्योंकि दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में तो 3rd-4th कट ऑफ में पूरी सीटें क्लोज हो जाती हैं। तो सीबीएसई को दोस्तों एक बार ये भी इंश्योर करना पड़ेगा विद्यार्थियों की कि आप एग्ज़ाम अगर देंगे तो आपका जो रिजल्ट आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नंबर मिलते तो हम आपके लिए कॉलेजेस में सीट अवेलेबल करवाएंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकें। इसके अलावा दोस्तों बहुत से बच्चों ने यहाँ तक मैसेज किया है कि टीचर द्वारा पर्सनली तौर से उनसे अपनी कह सकते हैं कि नाराजगी निकाली गई है। उनके टीचर ने जानबूझकर उन बच्चों को कम नंबर दिए जिनसे टीचर की नहीं बनती थी। तो यदि ये सारी दोस्तों अगर आरोप ये सारे विद्यार्थियों के सही हैं, तो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करता हूँ सीबीएसई के सभी अधिकारियों से, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि वो पर्सनली संज्ञान लें इन सभी विषयों पर कि स्कूल ने जिस आधार पर नंबर तैयार किए हैं, क्या वो नंबर सही थे या मनमाने तरीके से स्कूल्स वालों ने रिजल्ट तैयार किए हैं जिसमें कुछ बच्चों के जो अच्छे नंबर आ गए, कुछ बच्चों के खराब नंबर आ गए। इवन दोस्तों इस रिजल्ट में ये भी हुआ कि जो बच्चा क्लास 10th में किसी और स्कूल से पढ़कर आया था, क्लास 11th में किसी और स्कूल में पढ़ा, क्लास 12th में किसी और स्कूल पढ़ा, तो वहाँ उसका बेस ईयर भी सही से नहीं बन पाया, तो उसको भी कम नंबर दे दिए गए। लेकिन वह उस नंबर से ज़्यादा मायने अपने आप को नंबर दे सकता था यदि एग्ज़ाम लिए जाते। तो खैर सीबीएसई ने कहा है कि जो बच्चे हमारे रिजल्ट से नाखुश हैं वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सीबीएसई ने कहा था कि अगर स्थिति समान रहेगी तो ही री एग्ज़ाम लिए जाएंगे। अब स्थिति सामान्य, सीबीएसई ने 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का एग्जाम की डेट दे दी है, और सीबीएसई ने कहा था कि एग्जाम लिए जाएंगे तो उन प्रमुख विषय यानी केवल प्रमुख विषय के ही एग्जाम लिए जाएंगे। तो सीबीएसई अगर एग्जाम लेने वाली है तो उसे जल्द से जल्द सीबीएसई जो सब्जेक्ट का टाइम टेबल, फॉर्मूला क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, है ना, MCQs टाइप होंगे, टाइम क्या होगा, ठीक है, या सब्जेक्टिव होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा या कैसा होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, जितनी भी चीज़ें हैं इससे संबंधित उन सभी का नोटिफिकेशन जरूर देना चाहिए, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो अपना माइंड मेकअप कर ले एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से क्लियर भी नहीं कि एग्ज़ाम कैसे दिए जाएंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा इस पूरे कोरोना काल में। सबसे ज़्यादा अगर खामियाजा भुगतने की बात करें दोस्तों तो छात्रों को ही भुगतना पड़ा है। हालांकि मैं दोस्तों पिछले जब एग्ज़ाम कैंसिलेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो मैं पहले भी इसके खिलाफ था कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत से जो स्कूल हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे और वो अपने खास चुनिंदा बच्चों को अच्छे नंबर देंगे, बाकी सभी को खराब नंबर दे सकते हैं, और वही देखने में आ रहा है। तो खैर अब एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, जिन बच्चों के साथ अनफेयर किया गया है, बस अब सीबीएसई को देखना है कि सही में अगर टीचर्स ने, स्कूल्स वालों ने, कुछ स्कूल्स वालों ने अगर ऐसा किया है, कुछ टीचरों ने ऐसा किया है,
तो सीबीएसई स्वयं आकर, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं आकर इस विषय पर संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। यदि ये सारी चीजें सही है तो उन बच्चों के साथ न्याय किया जाए जिन बच्चों को गलत नंबर दिया गया है, जिससे वो अच्छे हकदार थे यदि एग्जाम दिया जाता तो। तो दोस्तों बस यही छोटी सी वीडियो में एक बात कहनी थी, और ये सब एक बात और कहनी है उन सभी बड़े यूट्यूबर से जिन्होंने एग्जामिनेशन कैंसिलेशन कर इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी, और इस मुहिम के आगे सरकार भी झुक गई, सीबीएसई भी झुक गई और क्लास 12 के एग्जाम जो है कैंसिल कर दिए गए। तो आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि एक बार इन सभी बच्चों के लिए भी इसी प्रकार का हैशटैग चलाइए, स्लोगन चलाइए, ट्विटर पर चलाइए, ताकि सीबीएसई तक ये बात पहुंचे, क्योंकि आपके पास संख्या बल ज्यादा है, आप अगर बात कहेंगे तो आप लोगों की बात वेटेज रखती है, क्योंकि आप दोस्तों लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार भी उसी की बनती है जिसके पास बहुत संख्यक लोग होते हैं, और बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास ज्यादा सपोर्ट के लोग होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर उन सभी बच्चों के लिए आप अभियान चलाइए एग्जाम को फेयर तरीके से रिजल्ट घोषित करने के लिए। बस यही दोस्तों इस वीडियो में कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ना दबाना, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारी सारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सभी पहुंच जाए आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद।